नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल जॉब स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI की तरफ से नई एक वैकेंसी आई है। ये 2021 की बहुत ही अच्छी वैकेंसी दी गई है। ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों आपका, जो है ये ऑनलाइन फॉर्म वो स्टार्ट हो चुका है। मेल और फीमेल दोनों के लिए ऑल इंडिया लेवल जॉब है। अगर आप लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहते तो जान लीजिए 606 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। और हम डिटेल में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, इन तमाम चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर पहली बार आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए इसी तरह की खबर लेके आते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देते हैं तमाम जानकारी। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। वह यहाँ पे SCO यानी कि जो आपका स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की है उसके लिए रिक्रूटमेंट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहां पे चाहे तो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कर ले तो जो कैंडिडेट जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट हैं, मेल हो या फीमेल, उनके लिए 750 रुपये यहाँ पर रखा गया। और ST और SC कैंडिडेट के लिए यहां पे किसी तरह की कोई चार्जेस नहीं रखी गई है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट डेट अगर देखें, जो आपका एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ पर जो आपका 28 सितंबर 2021 से शुरू हो चुका है। और रजिस्ट्रेशन लास्ट होने का डेट जो है ऑनलाइन जो है लास्ट डेट है अप्लाई करने का, वो 18 अक्टूबर 2021 तक का समय दिया गया है। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, जैसी आएगी मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। अब जो यहाँ पे पेमेंट मोड की बात कर ले, जो आप लोग एप्लीकेशन फ़ी जो है यहाँ पर पेमेंट करोगे तो उसके लिए आप लोग का यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी जो है देना होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, या आप जो है बैंक ई चलान के थ्रू भी आप जो है पे फी पेमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो यहाँ पे अलग अलग जो है पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे और अलग अलग एज भी देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजर जो मार्केटिंग के लिए है, उसके लिए मैक्सिमम एज जो है यहाँ पे वह 40 वर्ष रखी गई है। और इसके लिए जो कैंडिडेट यहाँ पे MBA या PG DM कर रखे होंगे मार्केटिंग से या फाइनेंस से, तो वो आवेदन कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 12 है और 3 से लेकर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और बिना एक्सपीरियंस वाले भी पोस्ट हैं जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। डिप्टी मैनेजर का है जो कि मार्केटिंग से है, 35 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। और दोनों का जो यहां पे वह जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वह सेम रखा गया है। इसमें 26 पोस्ट हैं। अब रिलेशनशिप मैनेजर की बात कर ले तो 23 से लेकर जो कैंडिडेट 35 से तक का उम्र रखते हैं वो आवेदन कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा आपको इसी में पोस्ट देखने को मिलेगी, 314 पोस्ट है। बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में अगर आपके हैं, ग्रेजुएशन कर रखे हैं, तो आप आवेदन कर पाएंगे। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीडर का यहाँ पे अगर बात कर ले तो 28 वर्ष से 40 वर्ष तक एज रखा गया है। 20 पोस्ट है और बैचलर डिग्री मांगा गया है किसी भी स्ट्रीम में, अराउंड 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। कस्टमर रिलेशन एग्जीक्यूटिव की बात करें तो 20 से लेकर 35 साल तक आपका एज रखा गया है। जो आपका 217 पोस्ट दिया गया है और यहाँ पे मांगा गया आपसे जो बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी जो है सब्जेक्ट में, कॉमर्स, आर्ट्स या आपके साइंस है किसी में ग्रेजुएशन होना चाहिए। और 2 व्हीकल यानी कि जो मोटर बाइक होती है उसकी यहाँ पे 2 व्हीलर की जो है यहाँ पे DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें। और अगर बात करें इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की तो इसमें 28 से लेकर 40 वर्ष तक आपका एज रखा गया है। और वहीं पे आपका बैचलर जो डिग्री होना चाहिए या मास्टर डिग्री अगर आपका है तो आप आवेदन कर पाओगे। 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। वहीं पे सेंट्रल रिसर्च टीम की बात करें जो उसके लिए यहाँ पे 30 साल से लेकर 45 साल तक की एज रखी गई है। 2 पोस्ट है और इसमें भी आपका जो है PG DM अगर आपका सब्जेक्ट है एज ए अगर आपने कर रखा है, या MBA जो है मार्केटिंग फाइनेंस में अगर कर रखा है तो आप आवेदन कर पाओगे। अगर आपने सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो 25 से लेकर 35 वर्ष तक यहाँ पे जो है आपका एज दिया गया है। बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री या आपका जो है कॉमर्स में होना चाहिए, फाइनेंस से, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स से, तो आप आवेदन कर पाओगे। उसी के साथ अगर बात करें एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए तो इसमें 1 पोस्ट है जिसमें यहाँ पर 30 साल तक मैक्सिमम एज रखा गया है। मास्टर डिग्री इन जो है हिस्ट्री, सोशल साइंस या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स में अगर आपका है तो आप आवेदन कर पाओगे। आवेदन कैसे करना है तो मैंने आपको बता दिया है, आप 28 सितंबर से ही ये स्टार्ट हो चुका है ये वैकेंसी आवेदन होना। आपको सभी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात कर लूँ इसके लिए जो भी लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, दे दिया हूँ, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं।
किसी भी तरह की अगर और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर कर दीजिए। और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस, आपकी एग्ज़ाम होगी, एक जो है आपका मेंस होगा, एक प्री होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। और सिलेबस मैंने जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते फिर अगली वीडियो में।